की कथा कहती है, अग्नि पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, नीचे तो नीचे वो भी जाने तो, यहां तक वर्णन किया शिव महापुराण में तो, कि बेलपत्री का जो फल होता ना, बेल फल जो होता है, कहते हैं अगर किसी व्यक्ति के यहाँ लक्ष्मी की कमी होती है, संपदा की कमी होती है, जिसके यहाँ पैसा नहीं आता, धन नहीं आता, तो बेल का जो फल होता है, बेलपत्री का जो फल होता है, उस फल के गूदे को, बेलपत्री के फल का गुर्दा निकाल लो, सुखा लो, गाय के घी में उसको डुबो लो, और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के लिए अग्नि में आहुति दीजिए। महाराज शाम के समय पर सूर्यास्त के पहले ये जो आहुतियां हम बेले के गुर्दे के फल की गाय के घी में डुबोकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नाम से देते हैं, महाराज दो या तीन शुक्रवार करोगे, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आती, संपदा बढ़ती है। एक प्रयोग और कर देखना, कभी अगर मौका मिले आपको तो प्रयोग कर देखिए। लिंग पुराण के अंदर लिखा हुआ है, शिव पुराण में, लिंग पुराण में और स्कंद पुराण में कहा गया कि अगर किसी ने बेले के फल को, बेले के फल का अगर थोड़ा सा भी गुर्दा पाया है, बेले के फल को खाया हो या बेल का रस पिया हो या बेल के फल का जूस पिया हो, अगर वो व्यक्ति का अनायास किसी कारणवश प्राण भी छूट गए हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि 27 दिन तक वो बेल के फल का रस उसके नस नस में रहता है, तो उस व्यक्ति को यम नहीं छूते, वो कैलाश पर निवास करता है, मर भी जाता है तो अधोगति में नहीं पड़ता, नरक नहीं भोगता, वो बैकुंठ पद का कामी होता, बैकुंठ का निवास। बैकुंठ का निवास